शब्बीर हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर जानकारी ली जाएगी। बढ़ते आगे, इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने में कांग्रेस जुटी हुई है। तैलिक साहू राठौर समाज समन्वय प्रकोष्ठ का आज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में पूर्व सीएम कमलनाथ शिरकत करेंगे। इसमें भी क्या कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज तैलिक साहू राठौर समाज समन्वय प्रकोष्ठ का सम्मेलन बुलाया गया। चुनावी साल में कांग्रेस हर वर्ग को साधने में लगातार जुटी हुई है, चाहे वो महिला हो, युवा हो। लेकिन अब तैलिक साहू राठौर समाज समन्वय प्रकोष्ठ का सम्मेलन आज बुलाया गया। पीसीसी चीफ कमलनाथ सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं, तो ये बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर भोपाल से है। सुबह 11 बजे इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। मेरे सहयोगी शब्बीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, एक तरफ तो बीजेपी भी हर वर्ग को साधने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। आज तैलिक साहू राठौर समाज समन्वय प्रकोष्ठ का सम्मेलन बुलाया गया है, जो कि सुबह 11 बजे ये आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या बड़े ऐलान किए जा सकते हैं कमलनाथ की तरफ से? देखिए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वादों और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो मांगे हैं उसको पूरी करने के लिए बौछार देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से लगातार वादे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से वादे किए जा रहे हैं कि जनता से हम सरकार में आएंगे तो ये वादे पूरे करेंगे। और इन सबके बीच जो आपका सवाल था, अलग अलग वर्गों को कांग्रेस साधने में जुटी हुई, बिल्कुल जुटी हुई है। करीब 45 के करीब ऐसे प्रकोष्ठ बनाए गए हैं जो अलग अलग सामाजिक प्रकोष्ठ है, खेल प्रकोष्ठ है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है। पूरी कोशिश कांग्रेस की ये की गई है इन प्रकोष्ठों के जरिए के समाज को जोड़ा जाए और इसके अंदर पदाधिकारी बनाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाए। और उन्हीं सबके बीच तैलिक साहू राठौर समाज प्रकोष्ठ बनाया गया था कांग्रेस का, उसी को लेकर यह सम्मेलन बुलाया गया है। मध्य प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अलीशा 50% के करीब ओबीसी समाज है, और जो राठौर और साहू समाज की बात की जाए, तैलिक समाज की बात की जाए, तो ये ओबीसी वर्ग में आते हैं। और उन सबके बीच जब सम्मेलन बुलाया जाएगा तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उनके समाज को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन हमने कई बार देखा है कि जब ऐसी पंचायत बुलाई जाती है, ऐसे सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन बुलाया जाता है, तो चुनाव में टिकट के भी दावेदारी की जाती है समाज की तरफ से कि हमारे समाज से इतने इंसान को टिकट दिया जाए। और पिछली बार भी हमने देखा था जो सम्मेलन बुलाया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें भी टिकट की दावेदारी की गई थी। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में और कमलनाथ और कांग्रेस ये कह चुकी है कि महिलाओं के आरक्षण जो 33% दिया गया है उसमें ओबीसी को भी आरक्षण दे, तो आज के सम्मेलन में ये मुद्दा भी उठ सकता है। और इसके साथ साथ कमलनाथ उन तमाम चीजों का भी बखान करेंगे जिसके अंदर उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि उनकी सरकार में रहते हुए उन्होंने विधानसभा में ये पास किया था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को भी आरक्षण मिले, तो ओबीसी की सियासत तो गरमाएगी आने वाले चुनाव में। और उन्हीं सबके बीच आज सम्मेलन बुलाया गया अलग अलग समाजों का कांग्रेस की तरफ से। अलीशा, बिल्कुल, सुबह 11 बजे सम्मेलन होने वाला है। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम अपडेट।